हाँ जी, वीडियो शुरू होने से पहले बिफ़ोर एंड आफ्टर देख लीजिए, बहुत ही प्यारा कलर आया था। ऊपर वाली पिक्चर बिफ़ोर है, नीचे वाली पिक्चर आफ्टर है, और ये जो वीडियो चल रही है ये भी आफ्टर की है। ये देखें जी कितना खूबसूरत कलर है। चले जी वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैंने अपने बालों का हेयर कलर चेंज किया है, ये वाला किया है, दो कलर मिक्स करके। डिफरेंट लाइट में डिफरेंट तरह के बाल लगते हैं, कभी आपको मेरे ब्लैक भी लगेंगे, कभी डार्क ब्राउन भी लगेंगे, कभी हल्के से बहुत लाइट भी लगेंगे। जिस तरह की लाइट हो, जिस तरह का हो, उस तरह के ना बाल थोड़े से लगने शुरू होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। अब ये देखें जी, ये वाला मेरा पास से दिखाऊंगी, वो ओरिजिनल कलर है, ये मेरा ओरिजिनल कलर है बालों का जो आए है, ठीक है, ये वाला। अच्छा जी, एक बात यहाँ पे आप लोगों ने नोट करनी है लाजमी। देखें, अगर आप लोग के मोटे बाल है ना और कलर आसानी से नहीं चढ़ता, तो आपने 40 वॉल्यूम ही यूज करना है। 40 वॉल्यूम के बगैर आपके बालों पे ये वाला कलर नहीं आएगा। अगर आपके बाल नॉर्मल है, मतलब बहुत मोटे भी नहीं है और बहुत खराब भी नहीं है, तो आप लोग एक ले लो 40 का और एक ले लो 30 का। अगर एक ट्यूब बालों में लगती है तो एक ट्यूब लेके हाफ हाफ 30 और 40 का वॉल्यूम हाफ हाफ उसके अंदर मिक्स कर देना है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनका इस एरिया में कलर बहुत ज्यादा चढ़ जाता है और नीचे उनका नहीं चढ़ता, तो उन्होंने क्या करना है, हाफ एरिया में उन्होंने 30 वॉल्यूम यूज करने हैं, नीचे उन्होंने 40 वॉल्यूम यूज करने हैं, ताकि उनको एक जैसा कलर आ जाए। काफी लोग को मसला आया था लास्ट टाइम कि इस एरिया पे चढ़ा ही नहीं था कलर। किसी किसी का होता है, सबके बालों का टेक्सचर डिफरेंट होता है, कोई मोटे होते हैं, कोई पतले होते हैं, हर तरह के होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को ये इशू है तो हाफ 30, हाफ 40, 30 और 40 का थोड़ा सा मिक्स करके वो फिर दरमियान में, ताकि अलग अलग टोन ना लगे, ठीक है। ये थोड़ी सी टेक्निकल बातें होती है, आहिस्ता आहिस्ता कर करके समझ लगती होती है। चले जी, अब हेयर डाई के कलर की तरफ चलते हैं, सारी लुक क्रिएट करते हैं और ये फाइनल लुक। हाँ जी, अब हेयर डाई शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग मेरे बाल देख लें, इधर से ब्लैक आना शुरू हो गया है क्योंकि ग्रोथ हो रही है और ये बालों का कलर है, डार्क हो गया। अच्छा, सन लाइट में बाल और लगते हैं, येलो लाइट में बाल और लगते हैं, रिंग लाइट में बाल और लगते हैं। इस वक्त मेरे ऊपर ना येलो लाइट लगी हुई, इसलिए बाल थोड़े से और लाइट लग रहा है। ये देखें आपको, ये लाइट है नहीं, अब ये बालों का कलर ना डार्क ब्राउन में चला गया। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये पिक्चर है, हमें इस तरह के बाल चाहिए। उस पिक्चर पे एडिटिंग हुई होगी, फिल्टर लगे होंगे, या कोई लाइट पड़ रही होगी, रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा, वो उस हिसाब से ना आप लोग को बाल नजर आएंगे। जो अब मैं हेयर डाई करने लगी हूँ ना, वो है, एक है 7.35, इसका नाम है मीडियम चोको ब्लॉन्ड, और दूसरा है 7.3 मीडियम गोल्डन ब्लॉन्ड। इन दोनों को मैं मिक्स करूंगी। डेवलपर है मेरे पास 32 डेवलपर है। हाँ जी, मैं यूज करूंगी 30 डेवलपर, मुझे 40 डेवलपर यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने डाई ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, उस जेट ब्लैक वाले फेस से गुजर गई हूँ। क्योंकि मेरे बाल बहुत ज्यादा जेट ब्लैक थे, उसको ब्राउन के टोन्स में लाने के लिए मैं 4 से 5 दफा 40 वॉल्यूम के साथ बाल डाई कर चुकी हूँ। अब मुझे 40 की जरूरत नहीं है, अब मेरा गुजारा 30 से हो जाता है। आप लोगों ने अपने बालों के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, कौन सा कलर यूज करें उसके अकॉर्डिंग हमने यूज करना था वॉल्यूम, वो तो देख के यूज होगा। जिनके बाल हल्के हैं, पतले हैं, वो 40 ना यूज करें, वो 30 से ही गुजारा करें, उनके दो दफा 30 के साथ करें कि उनका कलर ना ब्राउन आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इन चारों ट्यूब्स को मिक्स करती हूँ और फिर वापस आती हूँ। हाँ जी, अब ये मैंने बाउल ले लिया है, ट्यूब पकड़ेंगे, ट्यूब को मैं पीछे से कट करती होती हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से ना कलर सारा मुझे मिल जाए। ये देखिए, ट्यूब को कट कर लिया और ये सारा कलर इसके अंदर निकाल दूंगी अच्छे तरीके से। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब आप लोगों ने बालों में कलर लगाना शुरू करना है ना, तो आप लोगों ने नीचे वाले पार्ट से शुरू करना है, ऊपर वाले पार्ट से शुरू नहीं करना है। इस जगह पे ना कलर बहुत जल्दी और ज्यादा चढ़ता है, बजाय इसके नीचे वाले पार्ट के, ठीक है। हमने नीचे से शुरू करने है और फिर ऊपर तक आना है, ताकि इस एरिया पे टाइम कम लगे। जब हम नीचे से शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली इस एरिया पे टाइम कम लगेगा और इस एरिया पे टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब मैं ये सारा कुछ मिक्स करती हूँ और फाइनल शक्ल ना फिर आप लोग को दिखाती हूँ। ओए, नाक को चढ़ा है, बालों का पता नहीं क्या हाल करता है। वैसे सी बड़े ठीक है, सी बाज नहीं अंदर। हाँ जी, क्या लगा दूं बेटा, एक मिनट आई, रोला ना पाई, आ रही हूँ आ रही हूँ। पहले शेड का कलर ऑरेंज सा निकला था, दूसरे का ये गोल्डन सा निकला। ओए होए, नाक को चढ़ गया, ठीक है। इस तरह ना सारा निकल जाता है, कलर जाया नहीं होता। हाँ जी, अब बारी है डेवलपर ऐड करने की, ये खोला, ये देखिए
हाँ जी ये देखें जी, हम अच्छी तरह मिक्स करें, इसके अंदर लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, अच्छी तरह स्मूथ सी पेस्ट बननी चाहिए। और जब हेयर डाई लगाने हैं अच्छी तरह बालों को कॉम कर लेना है, वो गुंजले वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई अटक नहीं होनी चाहिए, तेल नहीं लगा होना चाहिए बालों में, गीले नहीं होने चाहिए बाल। और बस ये देखें कितना स्मूथ सी पेस्ट बन गई, अच्छी तरह हमने पेस्ट बना लेनी है इसकी। ये देखें ठीक है, अब हम बाल बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। अब मैं ये वाला पार्ट अलग कर लूंगी, नीचे वाला पार्ट अलग करूंगी, शीशे के आगे मैं हेयर डाई लगा के आती हूँ, नीचे से शुरू करेंगे फिर ऊपर लगाएंगे। ठीक है चलें जी, अब मैं प्रॉपर हेयर डाई लगा के, हेयर डाई एक बार शॉपर पहन के फिर मैं आप लोग के सामने आती हूँ। हाँ जी मैंने डाई लगा लिया है, जो साइडों पर डाई लग जाएगा आपने हल्का सा गीला टावल करके फौरन साफ कर देना है, या फिर भी नहीं उतरेगा, जो वाइप्स होती है ना गीली बच्चों की, जॉनसन्स बेबी, कोई भी वाइप्स हों गीली तो उसके साथ तो फौरन साफ हो जाते हैं, फिर भी साफ ना हो तो गीली वाइप्स के ऊपर हल्का सा डिटोल लगा लेना, फिर तो पक्का ही साफ होगा, फिर ना साफ हुआ तो तुसी फिर मेरे घर आ जाना, मैं आप कर दूंगी। ठीक है ये देखिए सारा साफ हो गया, कहीं भी नहीं लगा हुआ, काफ़ी मुंह पे भी लग गया था गलती से। ठीक है अब मैंने 40 मिनट्स इसको रखना है, मैं सर पे शॉपर पहन लगी हूँ, 40 मिनट्स के बाद शैम्पू से बाल धोने, अगर कंडीशनर यूज़ करते कंडीशनर कर लें, और फिर फाइनल रिजल्ट मैं आप लोग को दिखाऊंगी, अल्लाह करे अच्छा आ जाए। चलें जी ओके अल्लाह हाफिज़। हाँ जी एक और बात, मैंने ना यहाँ पे भी डाई लगा लिया हल्का सा, इसको सिर्फ 10 मिनट के बाद मैंने उतार देना है इस टावल के साथ, बाकी इसको 40 मिनट्स लगाने, और जो आईब्रोज पे लगाया है 10 मिनट्स के बाद इसको मैंने रिमूव कर देना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा लगाया ताकि थोड़ा सा ना मैचिंग स्ट्रेचिंग हो जाए ना अच्छी अच्छे। हाँ जी अब वक्त आ गया कि आपको हर एंगल से हेयर कलर दिखाया जाए। अच्छा जो बिल्कुल पास से आप लोग को कलर नज़र आएगा जब मैं कैमरे के बिल्कुल पास आ जाती हूँ वो होता है ओरिजिनल कलर, बाकी दूर से डिफरेंट लाइट्स पड़ जाती है, रिफ्लेक्शन हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, टेबल पास अगर ब्राउन पड़ा हो ना उसका रिफ्लेक्शन बालों में आना शुरू होता है, ब्राउन बाल लगने शुरू हो जाते हैं, ये मसला होता है। ठीक है ये वाला ओरिजिनल कलर है इसलिए मैं बिल्कुल पास से आप लोग को दिखा रही थी। ये देखें जी आप लोग लाजमी मुझे बताइएगा कि आप लोग को हेयर डाई कैसा लगा, अगर आप लोग भी कोई यूज़ करते हैं ना हेयर डाई डिफरेंट कम्बिनेशन करके और अच्छा लगता है वो भी बताइएगा, बस ज़्यादा गोल्डन गोल्डन बाल ना हो, बाकी इस तरह कम्बिनेशन कोई हो तो मुझे आप लोग लाजमी बताइएगा। ठीक है जी ये देखें थोड़ा सा और पास से दिखाऊँ, मांग निकाल के ये ले। उम्मीद है जी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके मुझे लाजिम बताइएगा, और आप लोग कौन सा कलर यूज़ करते हैं, कोई कम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो वो भी बताइएगा ताकि नेक्स्ट टाइम मैं वोला कम्बिनेशन ट्राई करूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आऊँगी मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी रब रखा।